पाकिस्तान जिंदाबाद का ये नारा मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आया है, जो 17 जुलाई का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके वायरल होने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई। दरअसल ये नारा SDPI पार्टी के पार्षद के विजय जुलूस का है, जिसमें इस तरह की नारेबाजी की गई। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पार्षद समीउल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। उधर बजरंग दल ने भी इसका विरोध किया है। शाजापुर नगर में जो नगरी चुनाव हुए थे, उसके परिणाम 17 तारीख को आना प्रारंभ हुए थे, जिसमें वार्ड क्रमांक 12 के शमीमुल्ला खान ने निर्दलीय फॉर्म भरकर, जिसका चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ था, निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने के पश्चात में उसने SDPI पार्टी, जो कर्नाटक से है, जिसका संबंध PFI आतंकवादी संगठनों से है, उस पार्टी का यहाँ पे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रचार किया गया। और साथ में शाजापुर के विभिन्न चौराहों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके दो दिन पश्चात शाजापुर नगर में चार स्थान पर, महूपुरा, लालपुरा, मगरिया चौराहा और ज्योति नगर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के खुलेआम नारे लगाए गए। तो श्रीमान, यह आपको समझा दें, ये बजरंग दल है शाजापुर का, किसी भी प्रकार की देश के विरुद्ध घटनाएं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाबर से लेके औरंगजेब तक, मोहम्मद गौरी से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक, इनके बाप दादाओं ने कोशिश कर रही इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, लेकिन इनके पिताजी की औकात नहीं हुई कि इस हिंदू राष्ट्र को पुनः मुस्लिम राष्ट्र बनाने का चेष्टा करने की में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कब लगाए गए? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन्होंने 17 जुलाई के जब जुलूस विजय निकाला था उसमें लगाए थे। उसके पश्चात इनके दिन इतने बढ़ रहे हैं इन देहादी घटनाओं को लेकर, क्योंकि इनको शासन के द्वारा फ्री का राशन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का फ्री का घर दिया जा रहा है, और फ्री की टंकी जलाकर और फ्री का खाना खाने के बाद में इनके हलक से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये हम प्रशासन को चेतावनी देने आए हैं, SP साहब से निवेदन करने आए हैं कि इन जिहादियों के विरुद्ध तत्काल कानून का डंडा इनके मुंह में ठूसे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे इनके मुँह से लगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। आपत्तिजनक नारेबाजी सामने आने और पार्षद की गिरफ्तारी के बाद किसी भी तरह से माहौल न बिगड़े, इसके लिए शहर भर में भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए सुनील गोयल की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।